इन्वेस्टर्स वेलकम ट्रेडर्स अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 14 मई 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में आज हमें 8.67% का फॉल देखने को मिला है, तो आने वाले दिनों में हमें क्या रणनीति बनानी होगी कि जिससे हम इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो क्वार्टर थ्री के जो रिज़ल्ट है वो रिसेंटली NMDC के पब्लिश हुए हैं और अच्छे रिज़ल्ट आए हुए हैं, और वही एक वजह थी कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर के कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो एक असेंडिंग ऑर्डर का हमें यहाँ पर बार चार्ट देखने को मिल रहा है। और ये आप सभी जानते हैं कि जब भी क्वार्टरली रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं और क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर बहुत अच्छे अनाउंस होते हैं तो हमें स्टॉक में एक करेक्शन आता हुआ दिखाई देता है। अगर हम NMDC के एनुअल ईयरली परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 2016-17-18 से एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग हमें देखने को मिला, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखने को मिली, और 2018 से 20 तक एक रेंज में एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिला। अब हम चलते हैं NMDC के चार्ट की ओर और देखेंगे वहाँ पे कि किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले चलेंगे हम मंथली चार्ट पे, और अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये NMDC का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट को अगर गौर से देखें तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे ही समझ में आ रही है कि स्टॉक जो है एक समय में 500 एंड उसके अबव भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, और अगर हम 2016-17 की अगर हम बात करेंगे तो अभी भी स्टॉक में एक साइडवेज ट्रेडिंग आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, जब 2009 में इसने एक लो बनाया था, वो लो था 120 रुपीज़ का, और इस लो के नीचे आके NMDC ने कोरोना करेक्शन के चलते भी एक लो बनाया। जो रिसेंट लो है वो है 64 रुपीज़ का, और 64 रुपीज़ के प्राइस से एक अपसाइड मूव हमें ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 554 का रेजिस्टेंस है और आज के डेट में प्राइस बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस मंथली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो इस मंथली चार्ट पे यहाँ पर आपको एक सप्लाई दिखेगा, एक मंथली सप्लाई, और इस मंथली सप्लाई को अगर हम गौर से देखेंगे तो मंथली सप्लाई में विदाउट पेनिट्रेशन उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 216 से लेकर तो 257 के आसपास का ये मंथली सप्लाई है। और अब चलेंगे हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस वीकली चार्ट पे, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ में ही वीकली चार्ट का जो है वीकली कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं इस वीकली चार्ट पे यहाँ पर हमें एक फ्रेश सप्लाई देखने को मिल रहा है, एक शूटिंग स्टार कैंडल का यहाँ पर, ये एक शूटिंग स्टार का कैंडल यहाँ पर बन चुका है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर इस वीकली चार्ट पे मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है जो कि अभी जो एक अप ट्रेंड चल रहा है उस अप ट्रेंड को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस लो को और इस लो को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक वीकली ट्रेंड बन जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है अपने वीकली ट्रेंड लाइन से बहुत दूर हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलेंगे हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर देखेंगे तो आप जैसे कि देख पा रहे इस वीकली सप्लाई के अंदर एक डेली सप्लाई भी बन चुका है, और अगर आने वाले दिनों में प्राइस पलट कर इस डेली सप्लाई में आता है, और आने वाले दिनों में मीन्स और एक दिन प्राइस नीचे गिरता है और फिर ऊपर आने की कोशिश करता है, तो 196-198 पे हमें यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट होगा 164 का। अब देखिए यहाँ पे ये अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई में आ चुका है, और सप्लाई में आने के बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यूम भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम डेली डिमांड जोन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक डेली डिमांड जोन है, लेकिन इस डेली डिमांड जोन पे हम उतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो प्राइस नीचे गिर रहा है वो प्राइस नीचे आ रहा है अपने मंथली वीकली एंड डेली सप्लाई से होते हुए। तो ये स्टॉक का प्राइस जब इस वीकली डिमांड जोन पे आता है 151 के आसपास आता है, तो यहाँ आने के बाद किस तरीके से प्राइस एक्शन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है ये देख के हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए।
और फिलहाल के लिए अगर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो जैसे ही ये स्टॉक बाउंस बैक करता है हम इस स्टॉक में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम इस स्टॉक को 188 के आसपास भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट के चार्ट में कोई बेरिश या ट्रेंड में वीकनेस दिखाई देता है तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हो जाएगा 173 का। तो ये था NMDC का डिमांड सप्लाई बेस टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।